सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप चाहते हो अपने हंडा 350 में R15 V3 के या फिर कोई और भी क्लिपऑन्स इंस्टॉल करना, तो मैं कुछ क्लिपऑन्स के नाम भी बता दूंगा और इसमें अपन मेनली R15 V3 के क्लिपऑन्स इंस्टॉल करके देखेंगे। मतलब हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने, लगभग 3-4 सब्सक्राइबर्स ने अपने हंडा 350 में क्लिपऑन के हैंडल बार इंस्टॉल किए हैं और उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे फिट किया है और क्या क्या डिफिकल्टीज उन्हें लगी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो मैकेनिक के पास गए हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें मना कर दिया है कि ये लगेगा ही नहीं, और 2-3 कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे वो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और हंडा 350 की जो मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। एक वीडियो में जो मैंने रिसेंटली ही पोस्ट की थी उसमें यूट्यूब ने रिकमेंड नहीं किया, बट आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, तो वो लगभग अभी 90,000 उसमें व्यूज अप्रॉक्स पहुंच गए हैं। और इस वीडियो में अपन जिस बाइक के बारे में बात करेंगे उसके बाइक के ओनर की इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको स्क्रीन में भी फ्लैश हो रही होगी, तो आप एक बार जाके उनकी जो इंस्टा आईडी है वो एक बार जरूर चेकआउट करना। और मेरी इंस्टा आईडी भी आपको डिस्प्ले हो रही होगी, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मैं वैसे रील वगैरह डालता नहीं हूँ, बट बाइक रिलेटेड धीरे धीरे अब मैं पोस्ट करना चालू करूंगा, सो उसके लिए फॉलो भी कर लेना। अब अपन वीडियो में चलते हैं और बताते हैं इस बाइक में उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए और R15 V3 के क्लिपऑन्स की प्राइसिंग कितनी है और आप कैसे फिट कर सकते हो उन्हें, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट पोर्शन से अपन बात करना चालू करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला जो स्टॉक मडगार्ड है वो आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने रिमूव कर दिया है, जो कि थोड़ा सा क्लीन लुक दे रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्हें एक रेट्रो टाइप का जो स्क्रैम्बलर लुक चाहिए उसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। और बहुत लोगों ने उन्हें बताया भी है कि ये ठीक लग रहा है, बट डस्ट वगैरह बिल्कुल आती होंगी। तो मुझे लगता है अगर वो JD कस्टम के जो आपने मडगार्ड देखे होंगे जो ऊपर साइड थोड़ा सा हेडलाइट के नीचे फिट होते हैं, वो थोड़ा सा लुक अच्छा देते हैं, बट नो डाउट वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, क्योंकि JD कस्टम या फिर कोई भी और जो ये हंटर वगैरह के पार्ट्स बनाते हैं उनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये उनके ऊपर है, बट मैंने एक थोड़ा सा सजेशन दिया है। और इसके बाद उन्होंने फ्रंट पोर्शन में हेडलाइट में जो आपके कैफरेचर का क्रॉस आता है या फिर आप स्क्रैम्बलर में भी लगाते हो वो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे उन्होंने बताया है कि ये जो चीज़ है वो उन्होंने हैंडमेड बनाई है, मतलब खुद से बनाई है, बट ये चीज़ अमेजोन में भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो हैंडमेड वाला, अगर आपसे नहीं आता जैसे कि मुझसे भी नहीं आता कि ये कैसे बनाते हैं, तो आप चाहो तो एक बार अमेजोन वाला ट्राई कर सकते हो। मुझे उसकी प्राइसिंग कंफर्म नहीं है, मैं आपको लेकिन डिस्प्ले कर दूंगा और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसके बाद मिडिल पोर्शन में बात करें तो मिडिल पोर्शन में एज सच कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है, बट छोटे मोटे जो एसेसरीज इंस्टॉल की हुई है, तो ओनर ने मुझे एक वीडियो बना के दी है जिसमें उन्होंने प्राइसिंग और ब्रांड के नेम भी उसमें मेंशन किए हैं, तो वो मैं आपको आखिरी में दिखा दूंगा। और जो लिंक है इन सब एसेसरीज की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं साथ में आपको एक जो जिसमें भी अवेलेबल होंगे उनकी भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाता रहूँगा। इसके बाद अपन बात करते हैं मेनली जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, दैट इज़ क्लिप ऑन हैंडल बार। तो क्लिप ऑन हैंडल बार आप यूज़ करने वाले हो R15 V3 की, तो R15 V3 के क्लिप ऑन के बारे में मैंने सबसे पहले, अगर आपने होंडा CB350 RS का जो कैफरेचर का मॉडिफिकेशन मैंने बताया था वो अगर आपने देखा होगा, तो उसमें R15 V3 के हैंडल बार इंस्टॉल थे और उसमें मैंने प्राइसिंग भी बताई थी। और मैंने भी खैर एक हैंडल बार लिया है, मैं बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास एक ही हैंडल बार है। तो R15 V3 के हैंडल बार आपको लगभग पड़ते हैं 550 के एक साइड का, तो लगभग आपको 1100 रुपये के दोनों साइड के हैंडल बार पड़ जाते हैं। और अगर फिटिंग चार्जेस मिला भी लोगे तो भी 1500 के अंदर ही पड़ेगा अगर आप इंस्टॉल भी करते हो अपने बाइक में। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक ही क्यों है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड का हैंडल बार मिल जाता है और राइट साइड का जो क्लिप ऑन है वो नहीं मिलता, तो ये चीज़ देखना अगर आप लेना तो एक साथ ही लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी एक सर्विस सेंटर में जाओगे तो उनके पास एक ही स्टॉक में रहेगा, तो यही चीज़ मेरे साथ भी हो गई थी। अब मैं बताता हूँ इसमें फिट करने के लिए तरीका क्या है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो ब्लैक कवर लगा हुआ है आपके शॉकअप में उसे आप हटा के क्लिप ऑन वहाँ पर फिट करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ब्लैक वाला हटता नहीं है। और जो इस बाइक के ओनर है उन्होंने भी एक बार ट्राई किया था तो मैकेनिक ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये क्लिप ऑन ऊपर से ही फिट करने पड़ेंगे। मतलब आपकी जो शॉकअप की साइज़ है वो थोड़ी सी कम होने वाली है, वो थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, वो थोड़ा सा दबाते हैं शॉकअप को, उसके बाद ही आप उसे फिट कर सकते हो। मतलब जो आपकी शॉकअप की हाइट है वो कम होने वाली है। और रही बात जो बोल्ट वगैरह आप यूज़ करोगे, तो आप जो बोल्ट है वो R15 के सर्विस सेंटर या फिर वर्कशॉप से ही ले लेना, बाहर मिल भी सकते हैं ऐसा नहीं है, बट इन्होंने बाहर से ही लिया है और उसी के कारण थोड़ा सा टाइम भी लग गया इन्हें इंस्टॉल करने में। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंस्टॉल करने में, बट थोड़ा सा हाइट जरूर कम हो जाती है फ्रंट साइड से। अब मैं आपको इंस्टाग्राम की कुछ रील्स दिखाता हूँ जो ओनर ने पोस्ट की थी, जो उन्होंने बाद में इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस किए हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इंस्टॉल करने के बाद भी क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और इंस्टॉल करने में भी क्या कैसा खर्चा आता है। और फिर उसके बाद अपन टायर वगैरह के जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं और बैक साइड में उन्होंने क्या कुछ रिमूव किया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। हंटर में हैंडल बार इंस्टॉल हो चुके हैं, ये वाले हैंडल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर से इतना साइज जो था शॉकअप का वो बाहर निकाला है, बाकी ये वाले जो पार्ट होते हैं इसको नीचे दबा दिया है। शॉकअप का हाइट थोड़ा सा कम हुआ है, पर ये इतना नीचे दबाने की वजह से अब ये हम यहाँ पर हैंडल बार फिट कर सकते हैं। फिटिंग के लिए सिर्फ एक स्क्रू यूज़ किया है, आगे चलकर
यहाँ पर से कुछ करके इस वाले को भी यूज कर लेंगे। इसके अंदर ड्रिल तो नहीं कर सकते, तो कुछ और करना पड़ेगा, तो देखेंगे। तो वो जो कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि हैंडल फ्यूल टैंक को टच तो नहीं होता, तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी फ्यूल टैंक को टच नहीं होता है। दोनों साइड का बिल्कुल बराबर डिस्टेंस फ्यूल टैंक के बीच में और हैंडल के बीच में बचा रहा है। गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये वाला नट है, ये थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा चॉक अपने से भी आवाज आ रही है। अगर कैमरा में आई कि नहीं पता नहीं, पर आवाज आ रही है। जस्ट आके हमने ये फिक्स किया है, अब बिल्कुल भी नहीं हल रहा। तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि गाड़ी का फुटपैक्स पीछे करने की जरूरत है क्या और एंगल कैसा बन रहा है। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि ये देखो, आप मेरे बैठने का एंगल देख सकते हो, मेरे हाथ बिल्कुल भी उनके ऊपर वजन नहीं आ रहा है। और मैं सीधा बैठता हूँ तब पोजिशन ऐसी आती है, और जब झुक कर बैठते हैं तब पोजिशन ऐसी आती है। हैंडल बार ज़्यादा नीचे नहीं है। आप मेरे पैरों का एंगल देख सकते हो और मेरे बैक का एंगल देख सकते हो, बिल्कुल सेम है। तो फुटपैक्स भी पीछे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो ये हो गया मॉडिफिकेशन R15 V3 के क्लिपॉन्स अगर आप हंडा 350 में इंस्टॉल करना चाहते हो तो। अब अपन कुछ और भी मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सीट का मॉडिफिकेशन, आप अगर ये सोच रहे हो कि ये आफ्टर मार्केट बनाई हुई सीट है, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी स्टॉक सीट है, बट जो कवर है वो उन्होंने चेंज किया हुआ है और स्टिचिंग कराई है आपकी स्टॉक सीट के ऊपर ही। सो ये सब कराने का उनको खर्चा आया लगभग ₹800 का। इसके बाद अपन टायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप टायर देख रहे होगे कि स्टॉक से थोड़ा सा हटके हैं, काइंड ऑफ ऑफ रोड टाइप के टायर्स हैं। तो फ्रंट टायर है आपके सीएट ग्रिप 5 और 100x90 के टायर इंस्टॉल किए हुए हैं 17 इंच के एलॉयज में। और फ्रंट टायर के प्राइसिंग की बात करें तो ₹2100 तक के आपको ये टायर पड़ जाते हैं। और रियर टायर की बात करें तो ₹2700 इनकी कॉस्टिंग है, और साइज है 120x80 आपकी स्टॉक रेयर जो रिम्स आती है 17 इंच की, और ये भी जो ब्रांड है वो भी सीएट का ही है। तो अब अपन वो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन की वीडियो देख लेते हैं जिनके बारे में ओनर ने बताया है, और ये भी मेंशन किया है कि उनकी जो प्राइसिंग है वो उनको कितनी पड़ी है और आप उन्हें कहां से परचेज कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट नोटिसेबल चेंज इज दीज बेल्ट्स, बिकॉज दे आर अ लिटिल डिफरेंट, नो वन डज दिस। सो दीज आर द रेगुलर बेल्ट्स व्हिच वी कैन बाय फ्रॉम द मार्केट, एंड आई हैव बाय देम फ्रॉम फॉर आई थिंक दे कॉस्ट मी अराउंड ₹200, एंड देन आफ्टर दैट दीज मिरर्स कॉस्ट मी अराउंड ₹600 ऑन Amazon. Then this thing, mobile holder, it cost me around ₹200. Then this X, it is handmade. I've made it by my hand. And then this seat, it cost me around ₹800. And it is the original seat, and the cover is stitched on the original seat so that the finishing will look good. And then this net, it cost me around ₹100 on Amazon. Then there's this bent pipe wrap, it's hot now, and it cost me around ₹200 on Amazon. Best change in the bike are these tires. So as you can see, they are off-roading tires, not too much off-roading. So they are Seat Grip 5, if you can see properly. The name is Seat Grip 5. And the size of the front tire is 190x17, and the rear tire size is 120x80x17. Don't know where the size, see this 120x80x17. तो ये थी वीडियो इस हंडा 350 के बारे में, जिसमें इंस्टॉल किए हुए हैं R15 V3 के क्लिपॉन्स, और जो इसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए हुए हैं वो सब आपको पता ही चल गए होंगे। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया देखने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप इसे इंस्टॉल करने वाले हो R15 V3 के क्लिपॉन्स, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड स्पेशल थैंक्स टू दी ओनर, जिन्होंने जो भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किए उसके बारे में बताया, और साथ ही में जो वीडियो उन्होंने बना के दी मुझे, A to Z चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, प्राइसिंग से लेके कैसे उन्होंने फिट किया है। सो ओनर की जो इंस्टा आईडी की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन में भी फ्लैश हो रही होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऐसे हंडा 350 से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक मेरा पर्सनल सजेशन है इस बाइक के ऊपर, अगर इन्होंने गोल्डन रिम किए तो हो सकता हो बाइक का जो लुक है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो, क्योंकि मोस्टली आपने स्क्रैम्बलर में देखा होगा कि जो रिम्स होती हैं वो गोल्डन करते हैं। तो अगर ये भी एक बार ट्राई करेंगे तो मेरे हिसाब से जो बाइक का लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। सो यही था इस वीडियो में, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।